के लिए मिसाल बन चुकी है। सादुलपुर की एक बेटी की कहानी सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये बच्ची जन्म से ही सेलिब्रल पाल्सी रोग से ग्रसित है, ना तो शरीर के अंग ठीक से काम करते हैं और ना ही ठीक से बोल पाती है, लेकिन अपने हौसले से हजारों लोगों को जीवन जीने की एक नई सीख दे रही है। देखिए रिपोर्ट। और इच्छा शक्ति ने दी नई पहचान। सेलिब्रल पाल्सी रोग से ग्रसित एक बेटी की कहानी हजारों लोगों को दे रही है जीवन जीने की प्रेरणा। पैरों से चलाती है लैपटॉप, YouTube चैनल पर बनाई अपनी अलग पहचान। कहते हैं मन में लगन और इच्छा शक्ति हो तो हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है, जिंदगी की हर राह आसान हो जाती है और जीने की एक नई तमन्ना जाग उठती है। सोचिए, जो बच्ची जन्म से ही असाध्य सेलिब्रल पाल्सी रोग से ग्रसित रही हो, जिसे अपने हाथ पैर चलाना मुश्किल होता हो, वो क्या लोगों को जीने का रास्ता भी सिखा सकती है? शायद नहीं, लेकिन सादुलपुर की इस बेटी ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास से इस बीमारी से पीड़ित और निराश हजारों लोगों को जीवन जीने का एक नया सलीका सिखा दिया है। 30 साल की रुचि मुगदल ने न केवल अपने पैरों से स्मार्टफोन और लैपटॉप चलाना सीखा, बल्कि YouTube पर अपना चैनल बनाकर लोगों को जीवन जीने की एक नई उम्मीद भी दी है। रुचि के माता पिता ने रुचि का उपचार देश के बड़े बड़े अस्पतालों में भी करवाया, लेकिन हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। रुचि के माता पिता और भाई बहनों ने कीपैड और मोबाइल लाकर दिया। रुचि की उंगलियां काम नहीं करती थीं। जैसे तैसे पांव की उंगलियों से इन्होंने मोबाइल चलाना सीखा, फिर कीबोर्ड चलाया और उसके बाद लैपटॉप भी चलाने ही लगी। अब वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, YouTube पर वीडियो अपलोड करना रुचि की दिनचर्या में शामिल हो चुका है। माता पिता का प्यार और अपने संघर्ष की कहानी रुचि कुछ इस अंदाज में बयां कर। रुचि कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन परिवार वालों का हर कदम पर साथ और सीखने के जुनून ने जीवन में हर उपलब्धि उनको हासिल करने का मौका दिया है। रुचि अब न केवल समाचार पत्र पढ़ती हैं, बल्कि 100 से ज्यादा कविताएं भी लिख चुकी हैं। अपनी कविता के जरिए लोगों से जंगल बचाने की अपील करती रहती हैं। मैं सोचता था जन्म हुआ था तो जन्म सही है, मतलब ऐसे ही है, मतलब जन्म के बाद मैंने बीएड करी लेकिन नौकरी नहीं कर पाई क्योंकि इसकी सेवा मेरी जरूरी है, इसको पालना था। मुझे ऑफर भी आई मुझे नौकरी के लिए, लेकिन मैं नौकरी उचित नहीं समझा। रुचि मुद्गल के इस साहस के पीछे उनकी माँ का त्याग भी है। रुचि की माँ ने बीएड करने के बावजूद बेटी की परवरिश और उसकी सेवा के लिए अपनी नौकरी नहीं की। रुचि के लिए भी उनके माता पिता भगवान के समान हैं। इस माँ के लिए भी ये बेटी अनमोल है और उनके जीने का एक मकसद भी है। जन्मजात सेरेब्रल पाल्सी की मरीज है, इसमें हाथ पैर काम नहीं करते, अकड़ जाते हैं और बिना वजह हिलते रहते हैं हाथ पांव। तो इसको बड़ा चाव था सीखने का, समझने का, चीजों को जानने का। पढ़ लिख नहीं पाई क्योंकि हाथ से कलम पकड़ना भी बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं है। तो इसने फिर कंप्यूटर पे ट्राई किया। साधारण कंप्यूटर पे ये सब काम नहीं कर पाई क्योंकि हाथ पैर भी काम नहीं करते थे। तो फिर इसने
मोबाइल और लैपटॉप पे, तो अपने पैर की सहायता से इसने मोबाइल और लैपटॉप चलाना शुरू किया। इसका खास शौक है वीडियो एडिटिंग और वीडियो मेकिंग का। लड़खड़ाती जुबान से ही सही रुचि अपनी भावनाएं जाहिर तो करती हैं। वो नियमित प्रवचन सुनती हैं, अपने माँ बाप को वीडियो अपलोड कर प्रवचन सुनाती भी हैं। आज रुचि की अपनी पहचान है। YouTube पर उनके वीडियो को हजारों लोग पसंद करते हैं। YouTube पर जाने का उनका मकसद कोई पैसे कमाना नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगाना है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित होकर जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं।